हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज सर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्स टेंस का जो इंटरगेटिव सेंटेंस है, डियर स्टूडेंट, इंटरगेटिव सेंटेंस के यस आर नो टाइप सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम यस आर नो टाइप के सेंटेंसेस को पहचानते हैं, किस तरीके से डियर स्टूडेंट यस आर नो टाइप के जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्स टेंस का, किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन आज का हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी मैं आपको टॉपिक है आज का मैं समझाऊँगा वो आपको समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कि डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन को किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा कि ये डब्ल्यू एस टाइप का मतलब ही होता है आपका कि ऐसा वर्ड जो आपका डब्ल्यू एच से बना हो, ऐसा इंटरगेटिव वर्ड, ऐसा प्रश्नवाचक शब्द जो आपका डब्ल्यू एस टाइप वर्ड से बना हो, उसे डियर स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड कहते हैं। या क्वेश्चन की अगर जब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ऐसा क्वेश्चन जो आपका डब्ल्यू एच जैसे कि आपका कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, ये सारे चीज़ें डियर स्टूडेंट वाक्य के बीच में रहे और प्रश्न पूछने का कार्य करें। जैसा कि आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि जो आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मीन्स होता है डियर स्टूडेंट प्रश्न पूछना ही क्या होता है आपका डियर स्टूडेंट, वो क्वेश्चन कहलाता है। और क्वेश्चन पूछने का डियर स्टूडेंट दो तरीका होता है, एक होता है आपका यस आर नो टाइप और एक होता है डियर स्टूडेंट डब्ल्यू एस टाइप। तो यस आर नो टाइप मैंने आपको बताया था कि उसका जो उत्तर होता है आपका हाँ या ना में दिया जाता है, लेकिन जो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट, इसका उत्तर कभी भी हम हाँ या ना में नहीं देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए कि डब्ल्यू एस टाइप वर्ड क्या होते हैं। जो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड्स है, हमने जैसा कि आपको बताया कि डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि जो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन होते हैं ये हमेशा आपका डियर स्टूडेंट डब्ल्यू एस टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि जो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट, यह हमेशा आपका डब्ल्यू एस टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं डियर स्टूडेंट, डब्ल्यू एस टाइप इंटरगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आइए हम बताते हैं कि डब्ल्यू एस टाइप वर्ड्स क्या है, डब्ल्यू एस टाइप इंटरगेटिव वर्ड्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट, पहला आपका व्हाट, व्हाट है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि ये जो व्हाट है आपका किससे बना हुआ है, डब्ल्यू एच से बना हुआ है। व्हाट, व्हाट मीन्स डियर स्टूडेंट होता है क्या आपका, व्हाट मीन्स ही आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट। फिर ध्यान दीजिएगा सेकेंड जो वर्ड है डियर स्टूडेंट, वाई, वाई है, ये भी डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा किससे बना हुआ है, डब्ल्यू एस से बना हुआ है, क्या आपका डब्ल्यू एस से बना हुआ है, इसीलिए डियर स्टूडेंट इसको बोला जाता है डब्ल्यू एस टाइप वर्ड। फिर डियर स्टूडेंट अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है डियर स्टूडेंट डब्ल्यू एच ओ, हु मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कौन, हु मीन्स क्या होता है आपका, कौन होता है, और डियर स्टूडेंट हु भी किससे बना हुआ है आपका, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड से बना हुआ है। फिर अगला वर्ड देखिए डियर स्टूडेंट, हु मीन्स क्या होता है आपका, कौन होता है, अगला वर्ड देखिए हुम, डब्ल्यू एच ओ एम, हुम मीन्स होता है डियर स्टूडेंट किसको, क्या होता है आपका, हुम मीन्स होता है किसको। देखिए ये जो भी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, डब्ल्यू एच से, इसीलिए डियर स्टूडेंट्स को बोला जाता है डब्ल्यू एच टाइप वर्ड्स या डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच का परिवार डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं। देखिए हुज डब्ल्यू एच ओ एस ई, हुज मीन्स होता है आपका किसका या किसकी, देखिए ये भी आपका डब्ल्यू एस से स्टार्ट है। फिर अगला वर्ड देखिए डियर स्टूडेंट वेन, ये भी आपका डब्ल्यू एस से स्टार्ट है, डब्ल्यू एच ई एन, वेन मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, कब होता है, क्या होता है, कब होता है। फिर डियर स्टूडेंट वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर मीन्स क्या होता है आपका, कहाँ होता है, ये भी आपका डब्ल्यू एस टाइप वर्ड है, और ये भी डियर स्टूडेंट किससे स्टार्ट है, ये भी आपका डब्ल्यू एस से ही स्टार्ट है। अगला देखिए डियर स्टूडेंट विच, डब्ल्यू एच आई सी एच, विच मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कौन सा, जब हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, जब आपका कोई चीज़ आपका बहुत सारी वस्तुएं हैं, जब उसमें से हम कोई
चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुम्हें कौन सा कपड़ा पसंद है, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट विच का प्रयोग करते हैं जब हमें चूज करना होता है, जब हमें कोई चीज़ पसंद करना होता है। फिर देखिए डियर स्टूडेंट, अबाउट होम, अबाउट होम, अबाउट ही मीन्स होता है डियर स्टूडेंट किसके बारे में, किसके बारे में। ये भी डियर स्टूडेंट क्या है कि क्वेश्चन वर्ड ही है, लेकिन ये डब्ल्यू एच फैमिली के अंतर्गत नहीं आता है। तो डियर स्टूडेंट, लेकिन ये भी क्या आपका क्वेश्चन वर्ड ही है। अबाउट होम मीन्स होता है आपका किसके बारे में। फिर देखिए डियर स्टूडेंट, सिंस वेन, सिंस वेन मीन्स होता है आपका कब से, सिंस वेन मीन्स होता है आपका कब से, तुम कब से क्रिकेट खेल रहे हो, तुम कब से यह पुस्तक पढ़ रहे हो। फिर देखिएगा डियर स्टूडेंट, हाउ, हाउ मतलब होता है डियर स्टूडेंट कैसे, ये आप एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें एच तो है लेकिन डब्ल्यू नहीं है, तो इसलिए ये जो वर्ड है डियर स्टूडेंट ये अपवाद के अंतर्गत आता है। तो हाउ मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, कैसे। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कितना समय, कितना समय से तुम पढ़ रहे हो। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हाउ फार, हाउ फार, हाउ फार मतलब होता है कितनी दूर, तुम्हें कितनी दूर अभी जाना है। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कितने, कितने, हाउ मैनी मीन्स क्या होता है आपका कितने होता है। जब हम किसी संख्या को गिन सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में कितने की अंग्रेजी क्या लिखते हैं कि हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। जैसे ओ सांबा कितने आदमी थे, तो बोलता है सरकार तीन आदमी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि जब भी आपका हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है, हाउ मैनी का मतलब ही होता है क्या डियर स्टूडेंट कि जिसको हम गिन सकते हैं, जहां हम गिन सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, आपको मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए हाउ मच, हाउ मच से मतलब होता है डियर स्टूडेंट कितना, ये जो कितना होता है डियर स्टूडेंट ये जो यूज किया जाता है आपका हमेशा किसके, अनकाउंटेबल के लिए, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे तुम कितना दूध पी रहे हो, तुम कितना पानी पी रहे हो, तो डियर स्टूडेंट कितना और कितने, कितने जो होता है डियर स्टूडेंट हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। हाउ मैनी का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जैसे इस विद्यालय में कितने बच्चे हैं, तो डियर स्टूडेंट यहाँ हम गिनती कर ले रहे हैं, इसलिए ऐसे कंडीशन में हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। इस ग्लास में कितना दूध है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वहाँ क्या करेंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड्स है इसको देखे सब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी इंटरगेटिव सेंटेंस है, कोई भी डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है, तो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डब्ल्यू एच टाइप वर्ड जानना चाहिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये वर्ड्स अगर हम नहीं जानेंगे तो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन को कभी भी हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट डब्ल्यू, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है कैसे हम इसको पहचानेंगे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि डब्ल्यू एच टाइप जो क्वेश्चन होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी के साथ डियर स्टूडेंट समय के साथ डियर स्टूडेंट हमेशा आपका रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है डियर स्टूडेंट, तुरंत आप पहचानेंगे कि ये डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है। और किसका क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि जब कभी आपका वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी शब्द आते हैं डियर स्टूडेंट, और आपका समय भी दिया जाता है डियर स्टूडेंट, और समय के साथ अगर आपका रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं डियर स्टूडेंट, तुरंत हम पहचानेंगे कि ये क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डियर स्टूडेंट डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है। तो आइए डियर स्टूडेंट इसका हम रूल्स पढ़ते हैं किस तरीके से इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ ट्रांसलेशन डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेशन अनुवाद करने के नियम डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अनुवाद करने के नियम डियर स्टूडेंट, किस तरीके से हम
इस टाइप के जो सेंटेंसेज आएंगे किस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो जो इसका रूल होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट डब्ल्यू एस टाइप वर्ड होता है। जैसे कि हमने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था डियर स्टूडेंट, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड्स होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या होता है, हैज़ या डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हैज़ या हैव का प्रयोग होता है, हैज़ या हैव का प्रयोग होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर आपका ये सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करोगे, अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है आई वी यू दे है तो ऐसे कंडीशन में हैव का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट बिन का प्रयोग होता है, बिन के बाद डियर स्टूडेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगता है डियर स्टूडेंट, आई एन जी का प्रयोग होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका सिंस या फार का प्रयोग होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या होगा आपका, टाइम का प्रयोग होगा। लास्ट में डियर स्टूडेंट क्योंकि क्वेश्चन है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये जो भी मैंने रूल बताया, जो भी मैंने आपको जो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। कैसे स्टार्ट होगा, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे कि ये आपका डब्ल्यू एस टाइप से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वो हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बिन का प्रयोग करेंगे, बिन के बाद हम वर्ब में आई एन जी लिखते हैं, उसके बाद डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं टाइम के अनुसार। अगर निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर अनिश्चित समय रहेगा तो फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो टाइम है टाइम लिखते हैं, उसके बाद इंटरगेटिव मार्क लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये जो भी मैंने आपको रूल बताया आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा डियर स्टूडेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल डियर स्टूडेंट, कृपया करके अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि किस तरीके से इस रूल को हम अप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, राम एक पत्र दो घंटे से क्यों लिख रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट राम एक पत्र दो घंटे से क्यों लिख रहा है। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या बताया कि हिंदी में हम देखेंगे कि वाक्य में आपका अगर कब क्यों कैसे कहाँ कितना कितनी कौन सा कौन सी आ रहा है और समय भी डियर स्टूडेंट दिया हुआ है और अंत में क्या आ रहा है आपका डियर स्टूडेंट, अगर आपका रहा है रही है रहे हैं रहे हुआ आ रहा है डियर स्टूडेंट तो हम तुरंत पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डब्ल्यू एस टाइप वर्ड लिखते हैं। तो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड क्या डियर स्टूडेंट, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, वाई डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, वाई। अब हमें यह ध्यान देना है कि हम हैज का उपयोग करेंगे कि हैव का उपयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसका उपयोग करने के लिए हम सब्जेक्ट पे पहले फोकस करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा सब्जेक्ट है राम है ये क्या आपका सिंगुलर है तो इसलिए हम यहाँ क्या उपयोग करेंगे, हैज का उपयोग करेंगे, वाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे राम, वाई हैज राम। फिर बिन डियर स्टूडेंट, बिन वर्ब में आई एन जी, लिखना किस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट, राइट, राइट मतलब होता है लिखना, आई एन जी लिख देंगे, राइटिंग, वाई है राम बिन राइटिंग, क्या डियर स्टूडेंट, अ लेटर, अ लेटर, वाई है राम बिन राइटिंग अ लेटर, कब से डियर स्टूडेंट, टाइम दे दिया है दो घंटे से, तो दो घंटा क्या डियर स्टूडेंट, अनिश्चित समय है तो हम क्या प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, फॉर टू आवर्स डियर स्टूडेंट, फॉर टू आवर्स, फॉर टू आवर्स, फिर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एस टाइप लिखते हैं, देखिए वाई का प्रयोग किया, उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया, उसके बाद डियर स्टूडेंट ने बिन का प्रयोग किया, वर्ब में आई एन जी,
इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया डी एस टी, अलेटर का प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट आपका अलेटर है तो अलेटर लिखा। उसके बाद टाइम अनिश्चित, इसलिए हमने टाइम अनिश्चित के लिए हमने क्या किया, फॉर का उपयोग किया। उसके बाद जो टाइम है टाइम लिख दिया। अगला एग्जांपल देखिए डी एस टी, सीता सुबह से खाना कैसे बना रही है। सीता सुबह से खाना कैसे बना रही है, सीता सुबह से खाना कैसे बना रही है। तो देखेंगे कैसे दिया हुआ है, ये क्या आपका डब्ल्यू एस टी वर्ड है, फिर आपका समय भी दिया है। उसके बाद ये स्टेंट रहा है रही है, अगर आएगा हम तुरंत पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरगेटिव का डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है। तो कैसे ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड है उसको लिखेंगे। कैसे की अंग्रेजी क्या होता है आपका हाउ, हाउ। अब सीधा सिंगुलर डेरिवेशन हम हैज का प्रयोग करेंगे, हाउ हैज सीता बिन, हाउ हैज सीता बिन, वर्ब में आई एन जी डी एस टी, कुक मीन्स होता है आपका बनाना या पकाना। हाउ हैज सीता बिन कुकिंग क्या डी एस टी फूड, फूड। अब क्या है सुबह से, ये क्या आपका, ये डी एस टी पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं सिंस का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे क्या डी एस टी सिंस, ये जो सिंस और फार का मतलब होता है डी एस टी से, ध्यान दीजिए ये जो फार यूज किया गया है सिंस, ये से के लिए यूज किया गया है, ये टाइम के लिए यूज किया गया है, से जो है आपका से, सिंस और फार का मतलब ही आपका से होता है। हाउ हैज सीता बिन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग डी एस टी, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद डी एस टी किस मार्क, अगला संडे देखिए, वे दो बजे से क्रिकेट, वे दो बजे से क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहाँ खेल रहे हैं, वे दो बजे से क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। रिलेशन देखिए आपका, देखिए समय भी दिया है दो बजे से, फिर रिलेशन आपका इंट्रोगेटिव वर्ड भी दिया है कहाँ। तो हमने आपका यही आपको ध्यान ही देना है कि कहीं भी आपका कब क्यों कैसे कहाँ कितना कितनी कौन सी रिलेशन जब भी आपको वाक्य के बीच में आता है और समय दिया हो रिलेशन, और समय के बाद आपका अंत में रहा है रही है रहे हैं रहे हुआ आएगा डी एस टी, तुरंत पहचान जाएंगे आपका कि ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरगेटिव का डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं डी एस टी, कहाँ की अंग्रेजी क्या होता है डी एस टी, वेयर क्या होता है, वेयर मीन्स क्या होता है डी एस टी कहाँ। तो हम क्या लिखेंगे डब्ल्यू एस टाइप वर्ड वेयर, फिर हम सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे डी एस टी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे डी एस टी प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे हैव, आई वी यू दे गर्ल्स बॉयज चिल्ड्रेन, अगर बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। वेयर हैव दे डी एस टी, वेयर हैव दे, फिर करेंगे क्या बिन, वेयर हैव दे बिन प्लेइंग, वर्ब में हम आई एन जी का प्रयोग करेंगे, वेयर हैव दे बिन प्लेइंग क्रिकेट डी एस टी, क्रिकेट क्रिकेट हो गया। अब टाइम पे ध्यान देंगे डी एस टी, टाइम क्या आपका दो बजे से, ये भी क्या आपका निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए डी एस टी हम सीख अंग्रेजी क्या लिखेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock डी एस टी, सिंस 2 o'clock। इसके बाद क्या लगाएंगे इंटरगेटिव मार्क लगाएंगे। तो डी एस टी आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा डी एस टी। अगर जिसको भी अभी तक टेंस नहीं समझ में आ रहा था, अब डी एस टी इस सेशन से, जो भी मैंने पिछला सेशन में आपको बताया टेंसेस के बारे में, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा डी एस टी। ये जो टेंस नामक जो डर था आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं डी एस टी आपके अंदर से धीरे धीरे निकल रहा होगा। आइए डी एस टी अब हम देखते हैं, देखिए रहा है आया, रही है आया, रहे आया, ये समय भी आपका दिया था और आपका इंटरगेटिव वर्ड भी कब क्यों कैसे के साथ आया था। अगर आपका जब भी आपका कब क्यों कैसे वगैरह आता है और समय देता है और रहा है रही है रहे हैं, देखिए रहा है आ रहा है,
रही है आ रहा है, रहे आ रहा है। अगर आपका रहे हो भी आता है और क्वेश्चन मार्क दिया हो और आपका टाइम दिया हो, तुरंत पहचानोगे कि वो क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट, तुम दो दिन से, तुम दो दिन से इस कार्य को कैसे कर रहे हो रिएक्शन, कैसे कर रहे हो, तुम दो दिन से इस कार्य को कैसे कर रहे हो रिएक्शन। तो देखिए, अगर आपका जब भी इंटरगेटिव वर्ड आएगा और इंटरगेटिव वर्ड के साथ अगर आपका टाइम दिया है, टाइम के बाद अगर आपका रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आता है, तो हमेशा पहचानिएगा कि क्या आपका डब्ल्यू एस टाइप का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे डियर स्टूडेंट, कैसे अंग्रेजी क्या होता है आपका, हाउ, सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, सब्जेक्ट आपका यू है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट, वा, हाउ, हैव, यू, यू तुम है, तुम मीन्स आपका यू होता है, यू मीन्स तुम होता है, तो क्या लिखेंगे हम, बिन, हाउ हैव यू बिन। फिर क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, वर्ब में आई एन जी का प्रयोग करेंगे तो डूइंग होता है, हाउ हैव बीन डूइंग इस कार्य को डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हाउ हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क डियर स्टूडेंट, दिस वर्क कब से डियर स्टूडेंट, देखिए समय दिया है और ये जो समय है डियर स्टूडेंट क्या है आपका अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फार, हाउ हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर टू डेज इंटीग्रेटिव मार्क लगा देंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हाउ हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर टू डेज। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जिसको बिल्कुल नहीं आता डियर स्टूडेंट, वो भी इस सेशन को देखेगा तो उसको भी ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हमारा जो डियर स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक मैं आपको बताऊँगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में, कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचानते हैं, किस तरीके से डियर स्टूडेंट हिंदी में पहचानते हैं, किस तरीके से इंग्लिश में पहचानते हैं, और क्या रूल्स होता है जिनको हम फॉलो करके ऐसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, अगर आप बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल, जो हमारा चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, अपने सब्सक्राइब करिए ही। अपने अलावा डियर स्टूडेंट, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, उनके अंदर टेंसेस का डर है, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के बारे में बताइए, लर्निंग विद सूरज सर, जिस पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है और बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है डियर स्टूडेंट। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट अभी जाकर जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।